नमस्कार बोकारो। झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा ने बोकारो पावर प्लांट से मजदूरों को हटाने के विरोध में प्रेस वार्ता। हुल क्रांति दिवस के मौके पर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के अगुवाई में हुल दिवस मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह और निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने सबसे पहले सिद्धू कानू के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बगोदर के माले विधायक विनोद सिंह ने आपदा के दौरान अवसर तलाश कर 50 ठेका मजदूरों को काम से हटाने का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आपदा में अवसर तलाश कर इन ठेका मजदूरों को काम से हटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन ठेका मजदूरों को जल्द से जल्द कंपनी वापस काम पर रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी के CEO की बहाली अवैध तरीके से की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मसले पर राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार प्रदेश ने 15 लाख गरीब परिवारों को हरा राशन कार्ड के तहत 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवारों को केंद्र सरकार भी अनाज मुहैया करावे। वहीं निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने भी कंपनी से इन ठेका मजदूरों को जल्द से जल्द काम में बहाल करने की मांग की। बगोदर विधायक विनोद सिंह व पूर्व विधायक निरसा अरूप चटर्जी से हुल दिवस के अवसर पर हम तमाम शहीदों को याद करते हैं और इस पूरे कोरोना काल में जब मजदूरों के हित में किसानों के हित में सरकार को खड़े होने चाहिए तो और ये दायरा संकुचित कर रही है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। आज अभी हम देखें तो आज बोकारो स्टील में सेल के तमाम संयंत्रों में हड़ताल चल रही है। पिछले कोरोना 2 में इनको कोरोना वॉरियर कहा गया, अभी कोरोना वॉरियर इन लोगों ने तमाम ऑक्सीजन सप्लाई की चेन रखी, लेकिन आज अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं, अपने वेतन के लिए। तो इनकी मांगों पर सरकार जो है अनसुनी कर रही है। आज जो मसला है बोकारो पावर सप्लाई में जो है 50 से ज़्यादा मजदूरों को छटनी किया गया है। हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो HSCL है, यहाँ 8 मजदूरों को छटनी किए गए हैं और ये सारे PSU हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिट में अगर इस कोरोना काल में लोगों को अगर छटनी की जा रही है तो आप समझिए कि ये आपदा में किस तरह के अवसर तलाशे जा रहे हैं। हम मांग करते हैं इन तमाम छटनी मजदूरों की जो है वापसी की जाए। साथ ही गोहिल जी ने जो आरोप लगाए हैं पावर सप्लाई के CEO के ऊपर, उनकी नियुक्तियों के अनियमितता पे उसकी जो है वो जांच होनी चाहिए। और इस मौके पे आज झारखंड में हम जो मांग कर रहे हैं, जो पूरी सवाल है कि जब ये आपदा है तो जो ग्रीन कार्ड में लोगों को 5 kg अनाज राज्य सरकार से मिल रहा है तो केंद्र की ओर से भी अतिरिक्त 5 kg जो है वो अनाज जो है वो दिया जाना चाहिए। नहीं, हम लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो लेबर कानून में जो तब्दीली कर रहे हैं उसका फल है ये तमाम चीज़ को आगे के दिन में हम लोगों को देखा जाए। बोकारो पावर सप्लाई में जो मजदूरों की छटनी हुई, जो 15 सालों से काम कर रहे हैं उसको इमीडिएटली बहाल किया जाए। और मजदूर को अगर बहाली नहीं होती है तो हम लोग गुहाई जी हैं, विनोद जी हैं, हम लोग तमाम मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। और किसी भी मजदूर को किसी भी तरीके से इस कोरोना काल में तो कम से कम छटनी होने की नौबत ना आए, इसको हम लोग ध्यान में रखें।